जट बेचारे का एक यही ख्वाब होता है, मझ खलोती है वेच के जेड़ा ना मैं कोठे पा ली सा, चार मझी आ गई ना वेच के धियां पुत्रां दी शादी कर ले सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने नए घर के विजिट करवाऊंगा जो कि अभी तैयार हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं नए घर। डब्बा साथ लेके जा रहे हैं, हमने दूध वाला डब्बा साथ ले लिया है, बिकॉज वहाँ से दूध भी लेके आते हैं। हमारा जो है आजकल भैंस से दूध दे नहीं रही, तो इसीलिए वहाँ से दूध लेके आते हैं। हमारा जहाँ पे नया घर बन रहा है वो थोड़ा सा हमारे गांव से दूर है, वो भी हमारे ही गांव का हिस्सा है लेकिन 2 किलोमीटर तकरीबन दूर है, तो हम वहाँ चलते हैं। चलो अभी जो है हम अपने गांव से निकल रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं दरिया की तरफ। रोड के आसपास साइडों पे जो है वो दरख्त लगे हुए हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे गर्मियों में सफ़र करने का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि पूरे ट्रैक पे जो है वो दरख्त लगे हुए हैं। तो हम पहुँच आए हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा घर बन रहा है, और ये रहा हमारा घर। तो अंदर चलते हैं, कुछ ऐसा सीन है माशाल्लाह। और अभी काम हो रहा है इस पे, और हमारे घर का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम चल रहा है तकरीबन 4-5 साल से। तो अभी मिस्त्री लगे हुए हैं, रेस्ट के लिए बाहर गए हैं। हम देखते हैं बकाया व्यू जो है, फ़िलहाल ये डोल रख देते हैं क्योंकि यहीं से हमने दूध लेना है, इसीलिए हम डोल साथ लेके आए थे। सामने मेन गेट है और उसके बाद कारपोर्च, वीरांदा भी हम तो वीरांदे के तौर पे बनाया लेकिन कारपोर्च हम इसे कह लेते हैं। वॉशरूम है साथ और 2 कमरे सामने, एक कमरा और किचन, और किचन के बाहर जो है जिसे हम थड़ा कहते हैं, फिर हमारा जो है ना वो दूसरी साइड पे बाहर जाने का दरवाज़ा, वो क्यों रखा है वो हम बाद में देखते हैं। अभी जो है यहाँ पे एक साइड रूम होना है, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे। चूल्हा जो है वो यहाँ पे लगा लिया था, मिस्त्री जो है वो चाय बनाते हैं, चारपाई रखी हुई है। घर के आबाद होने की जो निशानी है ना हमारे गांव में वो ये घड़ा है, और उसके बाद मिस्त्री जो है वो, मिस्त्री और मजदूर वो फ्रिज का पानी नहीं पीते इसलिए घड़ा, साथ गड़वंजी भी रख दी है हमने। फिर एक रूम ये है जिसका एक साइड पे ये विंडो है और बाहर का व्यू यहाँ से, हमारे मुताबिक तो ये कमरा है लेकिन डाइनिंग हॉल कह सकते हैं हम इसको, बिकॉज बैठक के साथ है ये। और ये रही बैठक हमारी, गेस्ट रूम, और इसका घर वाली साइड पे दरवाज़ा है और बाहर वाली साइड पे भी दरवाज़ा है, और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, दरख्त लगाए हुए हैं, और इस साइड पे भी हमने दरख्त लगाए हुए हैं, यहाँ पे सब्जी वगैरह भी लगाते हैं। जट की जो सेविंग होती है वो उसके जानवर होते हैं या ज़मीन, ज़मीन जो है वो जट का पेट पालती है और जानवर जो हैं वो उसका सेविंग होती है, जो उसकी ज़िंदगी के जो भी ज़रूरत के काम होते हैं वो पूरे करती हैं। तो एक जानवर जो है वो तकरीबन 2 साल में तैयार होता है, और जैसे ही जानवर तैयार होता था हम एक शॉप बना लेते थे। जब 4 शॉप्स हमने कम्प्लीट कर लीं, 4-5-6 शॉप्स, जब 6 शॉप्स हमने कम्प्लीट कर लीं, उनको किराए पर दिया, घर का सर्किट स्टार्ट हुआ और साथ घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जानवर जो हैं वो जिस तरह से तैयार होते थे, पहले एक कमरा बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, 4 कमरे बना लिए फिर हमने, और अभी घर मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन वो कहते हैं ना एक छत बन गई है सर छुपाने के लिए। तो साथ जो है अभी मेन जो है वो घर का स्ट्रक्चर वो वैसे ही पड़ा है जिस तरह से जिमें साड़ी माँ जसूस सी उन्होंने भेज के वो भी बना ली से। हमें जट बेचारे का एक यही ख्वाब होता है, माँ जी खलोती है वेच के जेड़ा ना मैं कोठे पा ली सा, चार मझी आ गई ना वेच के धियां पुत्रां दी शादी कर ले सा। तो हमारी जो सेविंग होती है ना बस यहीं तक होती है, कोई और तो जरिया होता नहीं है। तो इंशाल्लाह मझ खलोती है वेच के दुए कोठे पा ली से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है। हम जो पिछले घर में जो हमारा वो कच्चा सा घर है छोटा सा, वो तकरीबन 10 मरले से भी कम है लेकिन हम 25 अफराद वहाँ पे रहते हैं। अभी तो आप ही लोगों की और कज़न्स की जो है वो चचाजाद बहनों की शादी हो गई है, लेकिन हमने 25 अफराद एट ए टाइम उस घर में रहते थे। बाबा लोग 3 भाई और हम सारे बहन भाई,
और वो छोटा सा घर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा घर दिया है औकात से ज़्यादा। अभी हम चलते हैं बैक साइड पे, जो कि बैक साइड वाला दरवाज़ा हमने लगवाया हुआ है, किस लिए लगवाया हुआ है देखते हैं। ये है जी बैक साइड का व्यू, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये बैक साइड वाला जो दरवाज़ा है, ये साथ हम जानवरों के लिए जगह बना रहे हैं। ये जो ये भी कमरा बना रहे हैं कच्चा, इसे हम फट्टे कहते हैं, फट्टों के ज़रिए जो है ये बन रहे हैं। ये साइडों पे फट्टे लगा के दरमियान में जो है वो मिट्टी फिल कर दी जाती है और इसी तरह से छत तक ले जाएंगे, सारेंगे इसको हम। तो ये दरख्त जो हैं वो सारे मैंने और बाबा ने अपने हाथों से लगाए हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। दो दिन पहले आंधी आई है, ये हमारे एक दरख्त टूट गया, सफेदे का दरख्त, काफ़ी नुकसान की बात है। ये इनके जितना था लेकिन अब बेचारा टूटा पड़ा है। यहाँ पे वेले नहीं रह सकते, काम करने साथ साथ आए। तबीयत आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर है, काम करने में मज़ा भी आ रहा है। जो है वो छननी में साथ साथ छानना है, अगर इसमें कुछ होगा मट्टी वगैरह तो वो साइड पे हो जाए। तीन बटल जी उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।